Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE non-tech test series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. Hello everyone, तो आज हम start करेंगे अपना पहला topic जो है linear algebra. Linear algebra काफी ज़्यादा important topic है और ये काफी easy भी है, तो हम इसे basic से धीरे धीरे build up करेंगे, ठीक है? तो देखिए आप कर रहे हैं gate का preparation, right? Gate के preparation के लिए आप बनाएंगे notes. Notes के लिए आपको चाहिए pen और pencils. Suppose एक real life example लेते हैं कि first week जब आप gate का preparation कर रहे हैं तो आपको सपोज आप पेन लेने गए, 3 पेन लेके आए और 2 पेंसिल लेके आए, ठीक है? मैं क्या लिखा है यहाँ पे, पेन लिया और पेंसिल दिया, करेक्ट है? और मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट वीक आप जब नोट्स बनाने के लिए फर्स्ट वीक में 3 पेन लेके आए, ठीक है, और 2 पेंसिल लेके आए, राइट? सेकेंड वीक में अब क्योंकि नोट्स तो ज़्यादा बनाना पड़ता है हमें, तो सेकेंड वीक में मैं बोलता हूँ कि सपोज सेकेंड वीक में आप 1 पेन लेके आए, ठीक है, और 1 ही पेंसिल लिए, राइट? अब अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट वीक में अगर आपके ओवरऑल कॉस्ट मतलब 3 पेन और 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना पड़ा था, सपोज ₹50, ठीक है, ₹50 पड़ा। नेक्स्ट वीक में जब आप 1 पेन और 1 पेंसिल लेके आए तो सपोज आपका कॉस्ट पड़ा ₹20, राइट? अब रियल लाइफ प्रॉब्लम है ये कि अगर मैं पूछूं एकदम सिंपल सा कि भाई मुझे बता दो कि पेन और पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, तो आप तो ये हंसते हंसते बता देंगे आराम से कि सर ये तो बहुत ही इजी है कि सपोज मैं अब क्या बोलेंगे कि सपोज सर कॉस्ट ऑफ पेन क्या होगा, लेट इट बी एक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल आप बोलेंगे वाई, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी वाई। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन लिख देंगे कि सर पहले वीक में हम 3 पेन और 2 पेंसिल लेके आए तो 3 पेन इंटू उसका कॉस्ट, ठीक है, प्लस 2 पेन 2 पेंसिल इंटू उसका कॉस्ट, कितना हुआ टोटल? टोटल हुआ सर ₹50, राइट? वैसे ही सेकेंड वीक के लिए भी लिख देंगे आप क्या कि 1 इंटू एक्स नंबर ऑफ पेन प्लस 1 इंटू वाई टू नंबर ऑफ पेंसिल्स, कितना हुआ ₹20, राइट? तो ये आप लिखेंगे। और ये कौन से 2 इक्वेशंस आ गए हमारे पास, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, करेक्ट है? 2 इक्वेशन आ गए एकदम इजी से, 2 वेरिएबल्स बस हैं, एकदम इजी सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x = 10 रुपीज और y = 10 रुपीज, ठीक है? मतलब कि आप समझिए बात को कि रियल लाइफ प्रॉब्लम लिया मैंने, 3 पेन और 2 पेंसिल लिया, उसका कॉस्ट निकाला। अब आप नोटिस कीजिए एक चीज को कि यहां पर x का पावर क्या है, x का पावर यहां पे x⁴ है कि नहीं, राइट? y का पावर क्या है, 1 है, करेक्ट? x का पावर यहां पे क्या है, 1 है, और y का पावर यहां पे क्या है, 1 है। और ये दोनों इक्वेशंस कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्या बोला मैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, राइट? तो अब आप बताइए ये वाला टर्म लाइन, दोनों का इक्वेशंस का पावर क्या है, 1 है मैक्सिमम। लाइन के इक्वेशंस में या तो पावर 1 हो सकता है या तो 0 भी हो सकता है, करेक्ट है? अब ये दोनों इक्वेशंस क्या थे, लाइन के इक्वेशंस। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इन दोनों को अगर आप प्लॉट करते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली, मैं एक्यूरेटली नहीं बना रहा हूं, पर अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, ये एक इक्वेशन, एक ये इक्वेशन होगा और दूसरा इक्वेशन होगा ऐसा कुछ, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन को मैं ऐसे कर देता हूं, चलो, राइट, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, जहां पर ये दो लाइन, ठीक है, ये हो गया अपना पहला इक्वेशन और ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन, और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। मतलब कि वो जो पॉइंट, जैसे कि y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 10, ठीक है, जो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे वो हो रहे थे हमारे सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। मतलब कि क्या हुआ, ये हुआ कि हम एक लीनियर इक्वेशन लिए, लीनियर इक्वेशन मतलब जिससे हम लाइन को प्लॉट कर सके, और उस लीनियर इक्वेशन का हम क्या किए, सॉल्यूशन किए, ठीक है। तो ये तो क्या था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सपोज कि अब मैं जो इसको सॉल्व किया, इसको तो मैं इक्वेशन से सॉल्व किया, अगर मैं चाहूं कि इसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेकर मैं मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करूं, मैट्रिक्स की हेल्प से, मतलब कि क्या, देखिए अगर ये क्या है, कोफिशिएंट लेते हैं 1 3 2 1 और ये 1। अब इन कोफिशिएंट्स को लेके मैं सपोज एक मैट्रिक्स बना देता हूं, यहां पे कैसा मैट्रिक्स, 3 2 और 1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बना दिया मैं। और जितने वेरिएबल्स हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, दो ही तो वेरिएबल है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो इनका भी एक मैं मैट्रिक्स बना देता हूं, यहां पे एक और मैट्रिक्स, और ये किसके सॉल्यूशन में आ गए, इनके, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू क्या होगा, यही होगा 50 रुपीज और 20 रुपीज। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं और इक्वेट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, यही इक्वेशन आएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है, यही इक्वेशन आएगा, पर मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की हेल्प से कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि जहां पे मैं कोफिशिएंट्स लिखा, मैट्रिक्स के, उसको मैं चलो नाम देता हूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अगर सपोज मैं इसको लिखता हूं ए से, ये पूरा मैट्रिक्स को डिफाइन किया मैं ए से, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को डिफाइन किया मैं एक्स से, करेक्ट है। और सपोज मैं इसको नाम कुछ और दे देता हूं बी, ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स के नाम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पर आप लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये क्या है, तीनों मैट्रिक्स है, राइट। बस मैंने लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ऐसा इक्वेशन लिख दिया है। अब आप देखिए, ये a एक्स इज इक्वल टू बी। अब आप मुझे बताइए, ये तो कैसा था प्रॉब्लम कि यहां पे आपका कुछ वैल्यूज आ रहे थे 50 और 20 रुपीज। सपोज आप अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सपोज गेट में अच्छा रैंक आ भी जाता है और अच्छी जगह आप पीएसयू में जॉब भी करते हैं, तो आपके कुछ होंगे, सैलरी मिलेगी आपको, सैलरी मिली और कुछ इधर उधर खर्चे हुए। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो, सपोज ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो कि आपको चलो 1 मंथ की सैलरी मिली 50,000 रुपीज और आपने कुछ रेंट में, कुछ अपने एक्सपेंसेस में खर्च करके कुछ ऐसा इक्वेशन बनाया कि ओवरऑल जो आपके पास लास्ट में सेविंग बना, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जब जॉब करते हैं तो हम पूरा अच्छे से एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में, यहाँ पे फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में जो ओवरऑल आपका आउटपुट आया, मतलब लास्ट में जो सेविंग बचा वो हो गया जीरो, वो हो गया जीरो। मतलब कि अगर ऐसा केस हो कि जिसमें ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए, जीरो क्या, जीरो इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि वो ऐसा कुछ ऐसा हो जाए, या तो फिर सिंपल सा ऐसे। ठीक है, ऐसे रहे। तो ऐसा भी केस पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, कि एक में कि अगर हम करें a इंटू एक्स करें तो वो हमारा आ जाए b के इक्वल। b क्या है, कोई वैल्यूज ले सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो, जैसे मैंने आपको सैलरी और अपना एक्सपेंसेस का बताया, कि आपका लास्ट में जो सेविंग बचे वो हो जाए जीरो। तो वो कौन सा प्रॉब्लम हुआ कि जब आपका आउटपुट आ गया जीरो। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं दो इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन जो मैं लिखूं ये हो गया ax इज इक्वल टू b, और दूसरा इक्वेशन हो गया ax इज इक्वल टू जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं कि इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और इसको मैं बोलूंगा जिसमें आउटपुट जीरो आ रहा है वो हो गया होमोजीनियस करेक्ट है। तो यहां पे मैं दो इक्वेशन को कर दिया हूं डिफाइन, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को जिसमें आउटपुट आपका जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसमें ax is equal to null matrix, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो भाई ये क्या है, मतलब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, सिंपल सा कि हम लीनियर अलजेब्रा को पहले समझे कि लीनियर अलजेब्रा आखिर है क्या। देखिए पहले मैं एक क्या लिया, ये जो प्रॉब्लम लिया ये क्या था, रियल लाइफ प्रॉब्लम था। रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैं इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। लीनियर इक्वेशन को मैं किसमें, क्या था वो लाइन का इक्वेशन था, वो उस लाइन के इक्वेशन को मैं क्या किया मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म के मैंने दो एग्जांपल्स लिए जिसमें एक में आउटपुट कुछ आ सकता है और एक में आउटपुट जीरो हो सकता है, ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस हो गया। और इसी चीज को कि अगर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को इक्वेशन ऑफ लाइन में रिप्रेजेंट करें और सॉल्व करें किससे, मैट्रिक्स से, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि अब हम लीनियर अलजेब्रा में आखिर क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या होता है मैट्रिक्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां से आपको थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अब देखिए यह था एकदम सा ब्रीफ पिक्चर लीनियर अलजेब्रा के बारे में। आई होप आपको ये दोनों चीज आप अच्छे से याद रखेंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि लीनियर अलजेब्रा आखिर है क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला, एक मैट्रिक्स, जिन लोगों को मैट्रिक्स नहीं पता कि क्या होता है उन लोग के लिए मैं एक मैट्रिक्स का प्रॉपर डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं कि थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि हम लीनियर अलजेब्रा में करने क्या वाले हैं। तो अब मैं शुरुआत में ही क्या टर्म यूज करता, मैट्रिक्स। अब जिन्हें नहीं पता कि मैट्रिक्स होता क्या है उनके लिए आप अपने कॉपी में नोट करेंगे मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन, ठीक है, मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इन फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज और इन फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। अब मैं इसको समझाता हूं कैसे। देखिए सपोज एक मैट्रिक्स लिया, जैसे मेरा नाम आयुष है तो ए फॉर आयुष, तो एक मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब यहां पे इसको मैं ऐसे करके डिनोट किया ए आई जे से, ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। और ये हो गया सपोज रोज इनटू कॉलम्स, राइट। देखिए एक एक चीज को लिखता हूं मैं, ये क्या हुआ ए हो गया आपका नेम ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम क्या है। सपोज मैं इस मैट्रिक्स को पहचानने के लिए कुछ नाम दे दिया ए आई जे, ठीक है, ए आई जे लिख रहा हूं मैं। ए आई जे क्या है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ठीक है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। अब ए तो है स्मॉल ए, ठीक है, ये स्मॉल है एलिमेंट्स। आई जे क्या है, आई जे है हम उस मैट्रिक्स का पोजीशन। सपोज आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है, क्लास में बैठते हैं, काफी ज्यादा बेंचेस होती हैं। अब आपका टीचर कोई नया है तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि पांचवें रो का चौथा लड़का खड़ा हो जाए, मतलब कि क्या फिफ्थ रो का राइट से चौथा लड़का, ठीक है, खड़ा हो जाए। अगर आप पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो आपने देखा तरीका कि कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अगर मेरे को किसी का नाम नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगा, फिफ्थ रो से राइट से चौथा लड़का खड़ा हो जाए। तो वैसे ही मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम ये आई और जे यूज करते हैं। मतलब कि क्या, एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट लिख देता हूं इसको मैं, एलिमेंट ऑफ आईथ रो, ठीक है, आईथ रो एंड जेथ कॉलम, ठीक है। कैसे बोला था मैं, फिफ्थ रो का चौथा लड़का खड़े हो जाए, वैसे ही आईथ रो का जेथ कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। ये मैट्रिक्स के पोजीशन को या मैट्रिक्स को पहचानने के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए होता है ए आई जे। आर और सी क्या है, देखिए आर है आपका, आर है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्या है आर। सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये हो गया। अब आर और सी मतलब कि आर इंटू सी, सपोज आर इंटू सी हो गया ऐसा, इसको मैं क्या लिखूंगा, आर इंटू सी, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो प्रोडक्ट है रोज और कॉलम्स का, वो हमें देगा साइज ऑफ द मैट्रिक्स, या तो मैं क्या बोल सकता हूं, डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, या तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये तीनों चीज, या फिर इसको मैं एरिया भी बोल सकता हूं, राइट। तो यहां पे आप एरिया भी लिख देंगे, सपोज यहां पे एरिया, साइज में एरिया, ठीक है। तो अब देखिए 10 बेंचेस हैं, 10 बेंचेस हैं, ठीक है, 10 बेंचेस में हर बेंच में अगर 5 लड़के बैठे हुए हैं तो आप क्या बोलेंगे, एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, 5 बच्चे हर बेंच में बैठे हुए हैं, 10 बेंचेस हैं तो हो गया कितना, 50। तो वैसे ही अगर कितने रोज हैं, सपोज आर रोज हैं और सी कॉलम्स हैं, तो कितना सी कॉलम्स हैं, ठीक है, तो कितने हुए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें आर इंटू सी। तो मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या बता रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो भी हमें बता रहा है। तो यहां पे मैं अगर लिख सकता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। अब ये जो था मैट्रिक्स का, क्या बोला था मैंने, मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने यहां पे सबका मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर दिया कि क्या क्या टर्म्स हम कैसे डिनोट करते हैं, ये रोज हो गया, कॉलम्स हो गया। अब ना मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि कैसे आपको मैट्रिक्स को लिखेंगे। सपोज यहां पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ए इज इक्वल टू A11, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर A12, A13, फिर A21, A22, A23 एंड दिस गोस A31, A32, A33। तो ये क्या हुआ आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हुआ। रोज कितने हैं, रोज हैं इसमें, देखिए रोज कितने हैं, एक रो R1, R2 और R3, और कॉलम्स क्या है यहाँ पे, C1, C2 और C3, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 into 3 is 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होगा इसका ऑर्डर होगा, और पोजीशन क्या, A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम A12। तो ऐसे करके मैं आइडेंटिफाई कर लिया एलिमेंट्स को, और यहां पे मैं लिख दिया ए, नाम है वो मैट्रिक्स का पूरे ए, ठीक है। तो अब देखिए अभी तक हमने ये समझ लिया कि लीनियर अलजेब्रा आखिर है क्या, लीनियर अलजेब्रा में हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम समझ चुके हैं, थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। ये भी समझ में आ गया हल्का हल्का कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे एक आगे का टॉपिक बढ़ता है कि ये R इंटू सी, ये क्या है डायमेंशन। तो R इंटू सी जैसे यहाँ पे मैं लिया 3x3 का, 3x3 का। अब आप देख रहे होंगे कि 3 रो है, ठीक है, और 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स किस टाइप का दिख रहा है, इसका डायमेंशन या फिर जो एरिया है या साइज है उसको क्या बोल सकते हो आप, स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक ये होने वाला है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन के बेस्ड पे कैसे कैसे मैट्रिक्स पॉसिबल है, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।